टेस्टी है, बहुत मीठा है। चलो खा के देखेंगे हम लोग। एक ही बार में हम भी जा रहा है हॉर्नबिल, आज पासी के साथ हम। वेलकम बैक, फिर से स्वागत है दोस्तों नए वीडियो के साथ। अभी हम लोग यहीं पे नागालैंड में ही है, ये हम लोग शिरो व्यू पॉइंट के पास रुका हुआ था यहीं पे, और अपना ये है टिकलू ब्लॉग। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप लोग तो शायद इनको जानते ही होंगे एक राजपूत के वीडियो के थ्रू। तो वही है, तो अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करने वाले हैं। यहाँ पे हमने रोटी सब्जी लिया है और देखते हैं आज का क्या रहता है, कैसा रहता है। आज तो यहीं स्टे करने का प्लान है, और बिकॉज संडे भी है आज यहाँ पे, तो नागालैंड में संडे में सब कुछ बंद हो जाता है। तो आप लोगों को पता ही है, अगर इधर उधर हम बाहर जाएंगे तो दुकानें वगैरह भी नहीं मिलते। ये है रोटी सब्जी। तो अभी नहा धो के तैयार हो चुके हैं, और हम लोग एक दो दिन से यहाँ पे कैफे कॉटेज फूड टू गो यहीं पे रुके हुए थे, और हमारे बूढ़े भाई लोग तो कब से मतलब पहुँचे हुए हॉर्नबिल में। अपना अर्ज फिर पाजी, हम भी जा रहा है हॉर्नबिल, आज पाजी के साथ हम घूमेंगे। चलो हॉर्नबिल घूमते हैं, चलो हॉर्नबिल घूमते हैं पाजी। तो अपना टेंट वेंट हमें ऐसे ही छोड़ के जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम फिर से खाना खाने आ चुके हैं लंच करने के लिए। कल भी आया था हम लोग यहाँ पे, लंच करके गया था। ये अपना रेस्टोरेंट का हम आदुई की जो, तो यहाँ पे थोड़ा सस्ता मिलता है खाना, इसलिए हम लोग इधर आ गए नीचे खाने के लिए। थोड़ा चल के आना पड़ता है, कम से कम 1.5 किलोमीटर के आसपास। ऊपर से आए थे हम लोग, तो चलते हैं खाते हैं, फिर इसके बाद घूमेंगे आज फिर से। तो दोस्तों हम लोग का आ चुका है खाना पीना लंच, हम लोग वेज खा रहे हैं। कल भी आए थे हम लोग खाने के लिए, ये चावल है और अपना ये बंद गोभी अचार, ये भी एक काइंड ऑफ चटनी है, मैश मिक्स, मतलब क्या है इसमें, बैंगन, बैंगन बैंगन का भट्टा टाइप है, बैंगन स्पाइसी है ये, और पापड़ है, अपना सलाद है, दाल है, बढ़िया। चलो फटाफट से खाते हैं फिर चलते हैं फेस्टिवल घूमने के लिए। तो आज तो भाई आई थिंक बहुत सारे टूरिस्ट आए हैं घूमने वाले, बहुत है, पूरा रास्ते में जाम हो गया आज, गाड़ियाँ गाड़ी, मेन रास्ता भी वो हो गया पूरा, पूरा मेन रास्ता से जाम है, और काफ़ी लंबा लाइन है, मतलब वहाँ सेकंड गेट तक जो एंट्री वाला गेट है ना, वहाँ तक होगा आई थिंक। हाँ तो दोस्तों हम लोग खाना वाना खाने के बाद इधर एक जगह पे आए हैं, नागा ऑर्गेनिक पवेलियन है, तो ये देख पा रहे हैं। एक्चुअली यहाँ पे हम लोग काफ़ी बार गुजर चुके हैं, बट यहाँ पे एक आया ही नहीं है, तो हमने सोचा आज इसको विज़िट कर लें, क्योंकि यहाँ पे कितने सारे संतरे ऐसे ही पड़े हुए हैं, मतलब आई थिंक अंदर बेच रहे होंगे ना। और यहाँ पे बहुत सारे पाइनएप्पल्स हैं, आप लोगों को पता है ना कि नॉर्थ ईस्ट में लाइक असम नागालैंड इन सब में पाइनएप्पल बहुत ज़्यादा होता है, तो पाइनएप्पल के ट्रीज है। ये क्या चीज़ है? अच्छा, इसका मतलब इसमें सीड्स निकलते हैं, इसके सीड्स? या दिस आर, दिस आर द वंस, वैरायटीज ऑफ जॉकलेट्स। आई जस्ट फॉरगेट टू ऑन द कैमरा। तो यहां पे बहुत सारे सीड्स एंड राइस भी है। हां, दिस आर, दिस इज अ ब्राउन राइस, वन स्टिकी वन, एंड दिस आर स्टिकी वंस। दिस इज ऑल स्टिकी राइस? नो, नॉन स्टिकी। ये भी स्टिकी राइस है? ये तो हमारे इधर मिलता है, असम में भी आता है ये स्टिकी राइस। दिस इज अ वेरी गुड क्वालिटी वन, सेंटेड स्टिकी। वैसे इनका प्राइस क्या है, इन प्रिंट प्राइस का? प्राइस इट विल बी अराउंड 200 पर किलो। 200 पर किलो, वेरी कॉस्टली। यू कैन हैव अ ट्राई। आई विल मेक अ सिप। तो यहाँ पे बहुत सारे सीट्स हैं, एक था इसमें एग्जीबिशन लगा हुआ है यहाँ पे, तो और भी देखते आगे। प्राइस है पूरा, और कौन भी है डिफरेंट डिफरेंट कौन है, एक तो ये वाला है और ये एक डिफरेंट और है, ब्लैक भी है। ये फर्स्ट टाइम देखा मैंने ब्लैक इस टाइप के, और ब्लैक नहीं पर्पल कलर के ना, ये पर्पल कलर के फर्स्ट टाइम देखा मैंने यहाँ पे। आपने लिखा हुआ है
बहुत सारे डिफरेंट प्राइस प्राइस है मैं भी जाना एक तो गर्मी नहीं है बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट राइस है और बीन्स है क्या नाम है खोलर राजमा अच्छा राजमा ये खोलर खोलर क्या कहते आप लोग क्या कहते हैं इसको खोलर राजमा खोलर मतलब आप नागा उसमें ना, नागा ना, राजमा तो इसमें हिंदी में बोलते हैं राइट राइट यहाँ पे बहुत सारे बीन्स हैं राइस बीन ओके राइस बीन राइस बीन भी ये नागालैंड में मिल जाते हैं ना पूरा नागालैंड में नेचुरली ग्रोन और ये क्या चीज़ है बेरिला बेरिला रोड लीफ रोड लीफ अच्छा अच्छा वो इज द इसमें से मतलब ऑयल ऑयल बनता है ना थैंक यू और यहाँ पे बहुत सारे वैरायटी ऑफ किंग चिली लोकल चिली किंग चिली स्पाइसेस जूस है क्या ऑरेंजेस है ऑरेंज कितना है हाउ मच 150 कितने का पर केजी अच्छा हमें तो दो तीन चाहिए टू थ्री चाहिए हाँ अरे नो 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 टू थ्री के जी टू थ्री नहीं मिलेगा नहीं हम कैरी कर नहीं पाएंगे वैसे खाने के लिए सही टेस्ट करने के लिए नहीं नहीं इतना नहीं चाहिए नहीं वो कैरी करने के लिए जगह नहीं है इसमें बहुत कुछ सामान है कितना है बस कितना 30 है आधा किलो ही अरे इतना नहीं चाहिए फिर इतना नहीं चाहिए हमें दो दो दे दो बस दो दे दो हाँ खाना है बस ठीक है कोई बात नहीं बहुत कॉस्टली ले लिया कोई नहीं आप जो दिया वो ही ठीक है चलो टेस्टी है बहुत मीठा है चलो खा के देखेंगे हम लोग हाँ आते टेस्ट करके देखते आ जा क्या चाहिए ग्रेप वाइन्स ग्रेप वाइन्स उसने खाया बहुत अच्छा बोला ये खाया था ना हम लोग कहाँ पे साल में वहाँ ऐसा टाइप का खाया था ना अच्छा अच्छा वो दूसरा राइस राइस वो तो जुदो है वो तो जुदो है ये तो वाइन है तो वैसे टेस्ट के लिए है कुछ नहीं पूरा परचेज करना पड़ेगा चलो आज बाद में देखेंगे अभी हमने ये लिया ना देखो खाने के लिए लिया ना हमने यहाँ पे बहुत सारे संतरे बनाना ये क्या चीज़ है टमाटो है क्या डिफरेंट टाइप ऑफ टोमेटो है यार ये लोकल टोमेटो या ट्री टोमेटो दिस इज द ट्री टोमेटो इट्स इट लुक्स लाइक अ फ्रूट या 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 कीवी नहीं जगह नहीं लेने के लिए घूम नहीं पाएंगे लेकिन ना संतरा खा के देखते हैं यार 30 रुपीस का संतरा लिया एक बहुत ही कॉस्टली संतरा लिया 30 रुपीस का एक संतरा यहाँ पे तो ऐसे पड़े हुए यहाँ पे मशरूम भी बेच रहा है और इधर तो वहाँ का आई थिंक क्या है ये नेक्स्ट एकदम चिकन की और इधर रहता बहुत सारे फ्लावर्स की शॉप है फ्लावर्स पॉट्स ये सब है इधर अभी भाई का भी नहीं जिगंदर भाई खा रहा है किंग चिली ये देखो खतरनाक मानना पड़ेगा भाई जिगंदर भाई ने फिर ट्राई किया एटलीस्ट हम तो नहीं कर सकते यार तो अभी हम लोग यहाँ पे टी टेस्ट करने वाले चाय मतलब नागालैंड के चाय है वो हम टेस्ट करेंगे लाइक या ये था ग्रीन टी एंड ये नॉर्मल एंड दिस वन इज हॉट टी ओके
सो ट्राई करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ही है ये, नॉर्मल एंड दिस वन इज हार्टी एंड दिस वन इज ग्रीन टी, राइट? तो टेस्ट करके देखते हैं कैसा है, घर से आते हैं। हमारा असम का तो जैसे फेमस होता ही है, लेकिन यहाँ पे नागालैंड में भी है टी, सो विच वन इज दिस ग्रीन टी, राइट? देखते हैं। ग्रीन टी तो आप लोगों को पता ही है, डाइटिंग वगैरह जो करते हैं उनके लिए काफी सही होता है, है ना? सर आपका नाम क्या है? और मम्मी मुलता। और ब्रदर आपका? मैं उनसे मुलता। माय नंबर इज 7085687095। ओके, कभी भी मतलब चाय वगैरह लेना हो तो आप इनको लाइक कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, राइट? हाँ, हम लोग बनाते हैं लोकली प्रिपेयर टी, नेचुरल टी। ओके, लोकली प्रिपेयर नेचुरल टी, राइट? सो आपको कहाँ से है, नागालैंड में कहाँ से? ओखा। ओखा से? ओखा से। अच्छा, तो इन लोग चाय को कुछ इस तरह से बनाते हैं। ओके, हम लोग इसको हिंदी में आंवला बोलते हैं। आंवला बोल रहे हैं, आंवला आंवला से बनाया हुआ है। तो हम लोग कैसा बनाता है? अच्छा अच्छा, ये दिया है मेरी, थैंक यू सो मच फॉर अंकल जी को, इसके लिए ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे अपना एक नागालैंड का मतलब वाइन है, लोकल लोकल वाइन है, ट्राई करते हैं कैसा है। मतलब एक ग्रेप का है, ग्रेप जू, पीच जू, ग्रेप, नट गर्ल। तो एक टेस्ट करके देखते हैं, दिगंधा भाई बताएगा कौन सा टेस्ट करना है, विच वन इज बेटर इन टेस्ट। आई थिंक दिस वन, दिस वन ग्रेप वन। हाँ, तो ब्रदर ने सोचा क्या कि ये वाला सबसे मतलब टेस्ट में बेटर है, तो हम इसको ट्राई करते हैं। स्ट्रॉन्ग तो नहीं है ना ज़्यादा? स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है, सबसे स्ट्रॉन्ग वाला है। अच्छा, सबसे स्ट्रॉन्ग वाला है। इट्स अ हाफ, थोड़ा कमती हो गया, हो जाएगा। ठीक है, मैं टेस्ट करता हूँ, एडजस्ट कर लेगा एक ही बार में। थोड़ा उसकी तरह ही लग रहा है, जैसे राइस बियर होते हैं ना, थोड़ा फ्लेवर ऐसा ही आ रहा है मुझे, स्टिकी राइस, क्योंकि मैंने पिया हुआ ना, जैसे हम लोग कचारी वाले में पी रहे थे, तो थोड़ा सा वैसे ही आ रहा है फ्लेवर। नाइस, अच्छा है वैसे टेस्ट, काफ़ी मतलब अच्छा स्वीट है। मैं बता रहा हूँ, तो दिगंधा भाई भी ट्राई करेगा, काफ़ी सही है। थोड़ा मुझे ऐसे ही लगा, जो हमने कचारी वाले वहाँ पे राइस वियर ट्राई किया था ना, थोड़ा टेस्ट वैसे ही लग रहा है, स्वीट एंड मतलब स्ट्रॉन्ग भी है काफ़ी वैसे। कुछ ज़्यादा ही छोटा छोटा बॉटल नहीं है, पीच का है ये। मैं भी एक और ट्राई करता हूँ, एक तो मैंने ट्राई कर लिया है ग्रेप्स वाला, एक दूसरा और ट्राई करता हूँ, देखते हैं। इसमें पीच वाला ट्राई करता हूँ मैं, पीच कैसा है टेस्ट? अच्छा है, नाइस, दिस वन इज बेटर। मैं भी ट्राई कर रहा हूँ। इसमें थोड़ा फ्लेवर डिफरेंट है, ये ग्रेप वाला से डिफरेंट है, बाकी तो वही वाइन ही है, राइस बियर ही एक तरह से, नहीं राइस बियर तो नहीं, मतलब फ्रूट बियर है। तो अभी लास्ट में मैंने ये बीच वाला ये और ट्राई किया था, ग्रेप्स का वैसे मुझे सबसे अच्छा लगा। तो यहाँ पे पूरा एक फ्लावर का एग्जीबिशन है, बहुत सारे खूबसूरत खूबसूरत फ्लावर्स है, इतने सारे फ्लावर्स हैं, इनके तो नाम भी नहीं पता है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। वाइन वाइन टेस्ट करने के बाद एग्जीबिशन से थोड़ा इधर है, यहाँ पे एक प्रोग्राम चल रहा है डिफेंस लोगों का, आई थिंक दिखाते हैं आप लोगों को।